हम नेस्ट करेंगे ऐसे सीधे दंडासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऊपर को उठा लीजिए और दोनों हथेलियों से अपने घुटनों के नीचे दोनों हथेलियों को ऐसे रख दीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। इसे करने से हमारी कोर मसल्स काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं, हमारी काफ मसल्स, हमारे थाई मसल्स के लिए यह बहुत ही उपयोगी योगाभ्यास होता है। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए, 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखिए। अगर हो सके तो धीरे धीरे अपने पैरों को अपने नाक की तरफ स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। घुटनों के नीचे अपने दोनों हाथों को नीचे से लगा लीजिए और इसी स्थिति में रहिए। यह अभ्यास हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजों में बहुत ही उपयोगी होती है। फिर धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास को भी आप ऐसे ही 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए।